क्रेटा और सेल्टोस से। ये गाड़ी बड़ी भी है, चौड़ी भी है, ऊंची भी है। ओ भाई लेग रूम देखो, नी रूम देखो, जहाँ आजकल बाकी गाड़ियां तीन तीन पार्किंग सेंसर दे रही है, मारुति ने भाई गजब कर दिया। और ये फोल्ड भी पूरी आगे से ऐसे हो सकती है। सबसे खास बात क्या लगी ना भाई इंटीरियर में मेरे को, कि अंदर बैठते ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा यार गाड़ी में। बोनेट देखो एक बार। हे गाइस वेलकम बैक टू द वैगन टेल्स। आज हम करने वाले हैं रिव्यू द ऑल न्यू ग्रैंड विटारा का। अब इसमें क्या है, बेसिकली छह वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, जेटा प्लस, अल्फा प्लस, और उसमें भी आगे काफ़ी बाइफरकेशंस रहती हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक, स्मार्ट हाइब्रिड, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, और एक ऑल ग्रिप वाला वेरिएंट भी आता है इसमें। अपने पास जो आदि वेरिएंट है ये है डेल्टा ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब सबसे पहली बात तो आप लोग इसको क्या है कि क्रेटा और सेल्टोस के साथ काफ़ी कंपेयर कर रहे हो। साइज़ के मामले में अगर मैं बताऊँ तो हाँ, ये क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले में बिल्कुल खड़ी उतरती है भाई। साइज इसका सच में काफ़ी ग्रैंड है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट से स्टार्ट कर लें तो आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, यही इसका LED DRL है और यही इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको येलो लाइट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा, और इसकी जो सराउंडिंग है यहाँ पे आपको ब्लैक मैट फिनिश में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ग्रिल क्रोम जो है वो बरकरार है, उसको लेके कोई भी चेंजेस नहीं है। ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ पे फ्रंट का आपको पूरा रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, और नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो एक बार लेंथ चेक कीजिए भाई। क्रेटा और सेल्टोस से ये गाड़ी बड़ी भी है, चौड़ी भी है, ऊंची भी है। डिफरेंस कहाँ है, एक बस व्हील बेस को लेकर के। इसका व्हील बेस 2600 mm का है, क्रेटा और सेल्टोस का क्या 2610 mm का है, तो इतना सा फ़र्क है उसको लेकर के बस आप थोड़ा बहुत कह सकते हो। लेकिन कोई भी आपको स्पेस में लेकर के कोई कमी नहीं आने वाली है। और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात कर लें तो 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो 215/60/17 मतलब 17 इंची का यहाँ पे आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाएगा। इसका व्हील कवर भी आते हैं, वो एक बार डिग्गी में पड़े हैं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। खास बात क्या है कि इसमें फ्रंट में भी डिस्क है और पीछे भी डिस्क है, ये चीज़ एक बहुत बढ़िया लगी मेरे को। ORVM विद टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ये दोनों रहने वाले हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको पैसेंजर साइड भी देखने को मिल रहा है और ड्राइवर साइड भी देखने को मिलता है। बी पिलर आपको ब्लैक मैट फिनिश में देखने को मिलने वाला है, कोई भी क्रोम बेल्ट वगैरह यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप सी पिलर पे देख सकते हो हल्का सा ग्रे कलर का फिनिश यहाँ पे दिया गया है। ऊपर की हम बात कर लें तो कोई भी सनरूफ या रूफ रेल वगैरह नहीं देखने को मिलने वाली। शार्क फिन एंटीना इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है भाई, और ये जो है आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बैक प्रोफाइल की बात कर लें तो आप लोग एक बार चेक कीजिए। सबसे ज्यादा जो लोगों का दिल जीता है ना इस गाड़ी ने, वो बैक से जीता है भाई, क्योंकि एक बार LED टेल सेटअप इसका चेक कीजिए। ट्रिपल LED फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और ये चीज़ भी ग्लो करती है यहाँ तक भाई, तो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देती है गाड़ी को। और पीछे का सेटअप एक बार यहाँ पे भी चेक कीजिए, इंडिकेटर की पोजीशन यहाँ है और रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे दिए गए, और रिवर्स पार्किंग लाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब ये क्या है, स्मार्ट हाइब्रिड है, वो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाला जो वेरिएंट होता है वो रहता है भाई टॉप वेरिएंट में, मतलब जेटा प्लस और अल्फा प्लस वाले वेरिएंट में, ठीक है। डी फोगर यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, स्पॉइलर देखने को मिल रहा है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है यहाँ पे, रियर वाइपर वगैरह नहीं है। ग्रैंड विटारा लिखा हुआ बड़ा ही शानदार लग रहा है यार। सुजुकी का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाँ आजकल बाकी गाड़ियां तीन तीन पार्किंग सेंसर दे रही है, मारुति ने भाई गजब कर दिया, 4 पार्किंग सेंसर दे करके, 2, 3 और 4, ठीक है। और पीछे भी आपको सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिल रही है। पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे अगर हम चेक कर लें तो एक बार देख लीजिए साइलेंसर की पोजीशन यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें बूट स्पेस की, तो इसको ओपन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नंबर प्लेट लैंप्स जो है वो येलो लाइट में है, आप लोग चेक कर सकते हैं। पार्सल ट्रे यहाँ पे बरकरार है। ये जो मैं व्हील कवर कह रहा था वो यहाँ पे पड़ गए। इसका डिज़ाइन देख लीजिए एक बार कि इस तरीके का कुछ लगता है ये। बूट स्पेस जो है इसका 337 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। बूट लैंप भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। 60-40 का स्प्लिट रेशो देखने को मिल जाएगा। और अगर हम स्पेयर व्हील की बात कर लें तो 215/60/17 मतलब इसकी भी डायमेंशन सेम है भाई। तो मारुति ने काफ़ी चीज़ें ना स्टैंडर्ड ही कर दी हैं भाई, मज़ा आता है ये चीज़ें देख के। पार्सल ट्रे चेक कर लीजिए ऊपर। ओके, और यहाँ पे क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। इस तरफ यहाँ पे आपको एक ग्रोसरी हुक भी देखने को मिल रही है, और हल्का सा स्पेस यहाँ पे भी दिया गया है। ओके, ऊपर से भी चेक कर लो, पूरा ये कवर किया गया है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। नहीं तो क्या होता है छोटे वेरिएंट्स में ना, इस चीज़ को कवर नहीं करते। अभी हम यहाँ पे अगर पीछे के डोर के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए, ब्लैक एंड मैरून सा कलर यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है।
ठीक है। और ये पूरा प्लास्टिक है, कोई भी लेदर टच नहीं है यहाँ पे, और ये फैब्रिक है यहाँ पे। पावर विंडो का कंट्रोल क्रोम कलर में यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, लॉक अनलॉक करना होगा यहाँ पे, और सिल्वर कलर की प्लेसमेंट है यहाँ पे भी दी गई है, बॉटम होल्डर है यहाँ पे, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। अब ये क्या है ना, वो वाली सीट तो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड, 5'7" है मेरी हाइट जो चैनल पे पहली बार आए हैं, और इसको मैंने बिल्कुल पीछे कर दिया ताकि लेग स्पेस का अच्छे से अंदाजा हो पाए। मैं आपको बैठ के भी दिखा दूंगा, तीनों के तीनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और 3-point सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगी। बीच की सीट बेल्ट की जो पोजीशनिंग है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। क्वार्टर ग्लास चेक कर लीजिए एक बार, काफी बड़ा यार क्वार्टर पैनल ग्लास भी दिया गया है यहाँ पे आपको। और सीट का जो पैटर्न है वो देख लीजिए, यहाँ पे आपको वो बर्फी स्टाइल में कहूंगा इसको वो दिया गया है। आइसोफिक्स सीट माउंट दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, एक बार बैठ के और देख लेते हैं इसमें। तो गाइस आ गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। अभी एक बार यहाँ पे आप मेरा लेग रूम नी रूम चेक कीजिए, जब सीटें बिल्कुल पीछे हैं, मेरी हाइट 5'7" है जैसा कि मैंने आपको बताया, और अंडर थाई सपोर्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो यार बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन हो सकता है जो बड़ी हाइट का बंदा हो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे आप हेडरूम चेक कर लीजिए, काफी अच्छा खासा मेरे को हेडरूम भी देखने को मिल रहा है। और ये सीटें क्या है ना, ये रिक्लाइन हो जाती हैं थोड़ी सी, ये क्या अभी रिक्लाइन मोड पे थी, यहाँ से आप इसको पकड़ के रिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो आप इस पोजीशन पे सेट कर लीजिए या फिर इस पोजीशन पे सेट कर लीजिए, ये दो पोजीशन यहाँ पे सेट हो सकती है। मैं आपको उतर के और दिखा देता हूँ एक बार यार, तो ये बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, या तो आप इस पोजीशन पे कर सकते हो, ये पोजीशन होगी एक, या फिर इतना पीछे ये और जा सकती है, और ये फोल्ड भी पूरी आगे से ऐसे हो सकती है, ठीक है। पीछे की अमेनिटीज के बारे में बात कर लें तो आपको यहाँ पे एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे, और ये भी बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे आपको सॉकेट भी दिया गया है भाई दो, ठीक है, यूएसबी टाइप बी और टाइप सी दोनों यूएसबी के लिए आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। अब मैं उस तरफ भी आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए ये सीट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अब देखो भाई, नी रूम देखो, लेग रूम देखो, अंडर थाई सपोर्ट तो चलो जैसी है वो वैसे ही चेंज नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आप मेरा हेडरूम भी चेक कर सकते हो, तो उसको लेके कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये है रूफ लैंप, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, और इस तरफ भी एक रूफ लैंप देखने को मिल जाएगा, रीडिंग लैंप मैं कहूँ तो ज्यादा बेहतर है। इस तरफ आपको ये ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे, इस तरफ जो ग्रैब हैंडल है उसके साथ कोट हुक भी देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं है, लेकिन पीछे यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल जरूर देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड का लुक चेक कर लीजिए यार एक बार, गजब यार, ये जो कलर है ना बहुत अच्छा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों बहुत प्रीमियमनेस आती है इस कलर से। और यहाँ पे अगर मैं एयरबैग्स की बात करूं तो इस वेरिएंट में दो ही एयरबैग्स देखने को मिलेंगे आपको, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। और सीट बेल्ट भी देख लीजिए आप पूरा, ये क्या है, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है गाड़ी का पीछे से लुक, अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये है गाइस ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरिएंट की चाबी, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिंपल सी चाबी है, पीछे मारुति का लोगो, लॉक अनलॉक ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो जैसे आप लॉक या अनलॉक करते हो गाड़ी को तो ORVM जो है वो फोल्ड या अनफोल्ड तो नहीं होते, लेकिन यहाँ से आप इसको जरूर फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे इसका प्रोविजन प्रोवाइडेड है। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो वन टच अप वन टच डाउन होती है, मैं एक बार आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना उसका ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और ये आपका चाइल्ड लॉक का ऑप्शन हो गया। ORVM को फोल्ड या अनफोल्ड करना हो तो इससे आप यहाँ से कर सकते हो, ओके। और ये आपकी ORVM की सेटिंग करने के लिए वन टच अप और वन टच डाउन इसमें आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाती है बेस वेरियंट से ही विद एंटी पिंच फंक्शन, ओके। ड्राइवर साइड का यहाँ पे आपको बोटल होल्डर देखने को मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट है, ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, ओके। और हेडरेस्ट देख लीजिए एडजस्टेबल आ रही है ये, और यहाँ पे भी फैब्रिक जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। और सबसे खास बात पता है क्या है, मैं आप लोगों को बैठ के दिखाता हूँ एक बार, देखो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट एडजस्टेड है, बोनेट देखो कितना अच्छा विजिबल है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आपको देके चलती है गाड़ी, इतना मेरे को बोनेट ना क्रेटा में भी विजिबल नहीं था जितना इसमें विजिबल हो रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो कुछ स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पे बोनेट ओपन करना हो या फ्यूल लिड ओपन करनी हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे। ये आपका क्या है कि ऑटोमेटिक वेरियंट है, इस वजह से यहाँ पे आपको क्लच नहीं देखने को मिल रहा, और डेड पेडल प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टेयरिंग की बात कर लें तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील वगैरह तो नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, लेकिन यहाँ पे सिल्वर जो एक्सेंट दिया गया ना, ये चीज इसको काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है और वॉइस कमांड का ऑप्शन यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। और टिल्ट
और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। ये क्या स्मार्ट हाइब्रिड है, इस वजह से यहाँ पे आपको इंजन और बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या स्मार्ट हाइब्रिड या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि माइल्ड हाइब्रिड है ये। इसमें क्या है कि आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और दूसरी चीज वो थोड़ा बहुत टॉर्क असिस्ट भी करता है। जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो बैटरीज होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, और जब आप एकदम से एक्सेलरेट करते हो तो इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, लेकिन बैटरी से भी पावर कुछ ना कुछ इंजन को जारी होती है, तो उस वजह से क्या है आपको मैक्सिमम टॉर्क निकल के देखने को मिलती है। ये आजकल स्मार्ट हाइब्रिड जो है इनकी सियाज गाड़ी में भी आ रहा है और एक्सएल सिक्स में भी आ रहा है, तो वो चीजें इसमें है। ओके, और जो अपन अगर बात करें इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की, तो वो ऑप्शन क्या होता है कि वो आपको टॉप मोस्ट वेरियंट में मिलता है। उसमें क्या है कि आपको ईवी मोड ड्राइव मोड वगैरह मिल जाता है, उसमें क्या थोड़ी बहुत गाड़ी जो है आपकी वो इलेक्ट्रिक मोड पे भी चल सकती है, मतलब प्योर बैटरी पे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल की बात कर लें तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे आपको, और राइट साइड पे यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। भाई क्रूज कंट्रोल इस वेरियंट से आपको देखने को मिल जाता है, खास बात है यार ये। और डिपर्स के कंट्रोल इस तरफ है, वाइपर्स के कंट्रोल इस तरफ है, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह आपको इस वेरियंट में नहीं देखने को मिलेंगे। स्पीडोमीटर चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, और ये आपको टीएफटी स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी जिसके कि कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या ऑप्शंस है। अभी ये क्या ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसलिए पी मोड यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये आपकी पूरी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज, ये पूरा जो बेलेनो वाला सिस्टम है यार वही सेम आपका टीएफटी स्क्रीन है ये, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शंस अपन देख लेते हैं, ड्राइविंग टाइम कितना हुआ है, ऑडोमीटर चेक कर लीजिए, 8 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एक एनालॉग वॉच भी देखने को मिल रही है, मोशन फ्रंट रियर, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टॉर्क पावर, ये जैसा कि अपन ने बेलेनो में देखा वो सारे फंक्शन सेम है भाई यहाँ पे, तो उसको लेके कोई भी चेंजेस नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे कूल हॉट का ऑप्शन है, और इधर यहाँ पे एम्प्टी फुल का ऑप्शन प्रोवाइडेड है। डैशबोर्ड चेक कर लीजिए, ब्लैक, और ये वही 10 मैरून सा कलर मैं कहूंगा इसको। और यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा जो कि कूल्ड नहीं आता भाई, ठीक है, और ना ही कोई लैंप वगैरह प्रोवाइडेड है इसमें। स्क्रीन की बात कर लें तो 7 इंचेस का यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसमें भी वही चीजें हैं जो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी इसमें आ रही थी, जैसे कि एवरेज रेंज, फ्यूल रेंज वगैरह, वो सारी चीजें, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ओके, और इसमें ये क्या है कि आप इधर उधर करोगे तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। होम बटन में है तो यही होम है भाई इसका, फेवरेट्स में आएंगे तो अगर आपका कुछ भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो होता रहेगा आपको। डिस्प्ले सेटिंग्स में अगर हम आए यहाँ पे, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इसकी, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सेट कर सकते हो। वॉलपेपर मोड में अगर हम आते हैं यहाँ पे तो कौन वॉलपेपर ऑन है जैसे कि, तो कौन सा वॉलपेपर अगर ऑफ कर दिया जाए तो ऑफ करने का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। वॉलपेपर 2 लगा देते हैं, अच्छा तो पीछे का ये वॉलपेपर आ गया, तो इसमें वॉलपेपर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो सेट कर दिया हमने वॉलपेपर, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सेटिंग्स में आए तो अलर्ट वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर लें तो ये यार मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा फॉक्सवैगन की गाड़ियों में ना पसाड में आए कि एनालॉग क्लॉक आता था, इन्होंने 1000 लैंप दे दिया यार, मतलब राउंड कलर में, राउंड शेप में ना मैंने पहली बार देखा, ये काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन एसी वेंट्स चेक कर लीजिए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्टैंडर्ड ही है गाड़ी में, नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना उसका ऑप्शन प्रोवाइडेड है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और नीचे हम यहाँ पे बात कर लें तो 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे, और एक यूएसबी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह तो यहाँ पे नहीं आता, लेकिन स्पेस काफी अच्छा खासा है, काफी डीप है ये, आपका मोबाइल वगैरह आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, अगर तो आप मैनुअल वेरिएंट लेते हो तो वो आता है 5 स्पीड, ठीक है, और ये क्या है आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ये 6 स्पीड रहने वाला है। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल, ड्राइविंग और मैनुअल, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सेंटर कंसोल की बात कर ले यहाँ पे तो जो आर्मरेस्ट है वो देख लो भाई, स्लाइडर वाला तो नहीं है लेकिन स्पेस काफी अच्छा खासा है इसमें, और ये कूल्ड वगैरह भी नहीं आता है। ओके, तो आर्मरेस्ट मिल रहा है वो बड़ी बात है, हालांकि बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड है ये। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लें ऊपर की तरफ IRVM की, तो IRVM आपको मैनुअल डिमिंग वाला देखने को मिलने वाला है। लैंप वगैरह की बात कर लें तो ये येलो लाइट में रहने वाले हैं। ओके, इस तरफ बात कर लें तो वैनिटी, मेरे को लगा लाइट भी है इसमें, वैनिटी तो है लेकिन लाइट वाला नहीं है भाई ये, ठीक है, और इस तरफ भी आपको वैनिटी जरूर मिल रही है लेकिन लाइट के बिना। ओके, तो ये है ओवरऑल इंटीरियर, कोई भी सनरूफ वगैरह तो इस वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे खास बात क्या लगी ना भाई इंटीरियर में मेरे को, कि अंदर बैठते ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा यार गाड़ी में। बोनेट देखो एक बार फिर से, बहुत अच्छा विजिबल है। तो ये गाइस ग्रैंड विटारा डेल्टा वेरिएंट का इंजन भी आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइडेड है अभी, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो देखिए कितना चमक रहा है इंजन पे, नई नई गाड़ी का ऐसे ही चमकता है भाई। और अंडर द इंजन भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए, देखने को मिल जाएगी भाई,
गजब, मारुति ने बहुत अच्छा काम किया यार इस बार तो, ठीक है। और ये क्या है, 4 सिलेंडर इंजन आता है। अगर आप वो वाला लेते हो ECVT वाला, वो क्या 3 सिलेंडर इंजन आता है। इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 1500 cc का इंजन है ये, टू बी वेरी स्पेसिफिक 1462 cc है। और इसकी जो आउटपुट है वो क्या 103 PS की पावर और 137 Nm की टॉर्क जनरेट करता है इसका ये वाला इंजन। और अगर मैं अब इसकी माइलेज के बारे में बात करूं तो 20 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है मैनुअल वेरिएंट में, और ऑटोमेटिक की बात करें तो 18-19 की माइलेज ये निकाल के देता है। भाई मारुति के हर इंजन में इतनी माइलेज आराम से मिल जाती है आपको, अगर आप सिटी में ड्राइव नहीं कर रहे हो, हाईवे की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सिटी में भी 13-14 की माइलेज आराम से निकाल के देते हैं ये, ठीक है। अब मैं अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ ना, तो जो डेल्टा वेरिएंट मैनुअल में आता है उसकी एक्सशोरूम है 1190 और जो ऑटोमेटिक है वो है 1340। मतलब 1.5 लाख का डिफरेंस आराम से आपको देखने को मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक में। इसकी जो मैं ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूं यहाँ गुजरात महसाना में, तो आपको पड़ने वाली है आराम से ये 14.5 लाख के आसपास। और अगर मैं इसकी मैनुअल वेरिएंट की बात करूं तो वो पड़ने वाली है आपको 13.5 लाख या फिर 13,20,000-13,30,000 के आसपास। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारी और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए वैगन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।